साल 2022 की शुरुआत में देश के 13 शहरों को 5G इंटरनेट की सौगात मिलने वाली है। इसके बाद इन शहरों में इंटरनेट स्पीड 4G से 10 गुना ज्यादा तेज होगी, यानी यहां करीब 800 एमबी तक की कोई भी मूवी महज 20 से 25 सेकंड में डाउनलोड हो सकेगी। देश के जिन 13 शहरों में सबसे पहले 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत होगी, उनमें 3 शहर गुजरात के हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र के 2 शहर शामिल हैं। तो आज की इनडेप्थ स्टोरी में जानेंगे 5G इंटरनेट सेवा से जुड़े सभी सवालों के जवाब। कुछ भी जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि 5G इंटरनेट सर्विस का मतलब क्या है। देखिए, इंटरनेट नेटवर्क की 5वीं जनरेशन को 5G कहते हैं। ये एक वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा है जो वेव्स के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने जिन शहरों में सबसे पहले 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है, उनमें दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, जामनगर, गांधीनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ और पुणे शामिल है। इन शहरों में 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत किस दिन होगी, इसकी घोषणा फरवरी 2022 तक होने की उम्मीद है। अब सवाल ये उठता है कि देश के इन्हीं 13 शहरों में सबसे पहले 5G इंटरनेट क्यों? भारत में 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए 3 बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया काम कर रही है। इन 13 शहरों में 5G इंटरनेट शुरू होने की 3 वजह है। पहली वजह है कि नोकिया और एरिक्सन कंपनी शुरुआती फेज में इन्हीं शहरों में ट्रायल और टेस्टिंग कर रही है। दूसरी वजह ये है कि इन 13 शहरों में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादा हैं, यहाँ इंटरनेट यूज भी ज्यादा है, इसलिए इन्हीं शहरों को चुना गया है। जबकि तीसरी वजह यह है कि 5G इंटरनेट सर्विस की कीमत 4G की तुलना में ज्यादा है, इस हिसाब से छोटे शहरों की तुलना में 5G यूज करने वाले लोग इन 13 बड़े शहरों में ज्यादा हैं। जब इन शहरों में 5G इंटरनेट सर्विस शुरू हो जाएगी तो यहाँ के यूजर्स को कई फायदे भी होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि यूजर्स तेज स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से YouTube पर वीडियो देखना, ऑटोनॉमस गाड़ियों को ऑपरेट करना, वर्चुअल रियलिटी और फैक्ट्री में रोबोट का इस्तेमाल कर पाना ज्यादा आसान होगा। यही नहीं, 5G आने से इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करना आसान होगा। 5G के लिए काम कर रही कंपनी एरिक्सन का मानना है कि भारत में 5G इंटरनेट यूजर्स की संख्या 5 साल में 50 करोड़ से ज्यादा होने वाली है। इसके ट्रायल और लॉन्च की बात करें तो केंद्र सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मार्च अप्रैल 2022 तक 5G इंटरनेट स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई जाएगी, जिसके बाद 5G शुरू करने के आखिरी फैसले पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुहर लगाएगी। ऐसी और भी इनडेप्थ स्टोरीज के लिए जुड़े रहे दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।